हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप अपने कॉन्टेक्ट का बैकअप लेना चाहते हैं, कॉल और मैसेज का बैकअप लेना चाहते हैं, अगर आपने एक नया फोन खरीदा है और आप पुराने फोन का सारा बैकअप लेना चाहते हैं अपने नए वाले फोन में, तो आप कैसे लेंगे। हमने ऑलरेडी दो वीडियो बनाई थी, मैसेज का और कॉन्टेक्ट का, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सारे एप्लीकेशन है, जो सिस्टम सेटिंग है, जो फोटो है, जो वीडियो है, आप उसको वन क्लिक में अपने पुराने फोन से नए फोन में कैसे ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए ये मेरा पुराना फोन है या नया फोन है, तो मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा मात्र वन क्लिक में। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको एक छोटा सा काम करना है। देखो, हम आपके लिए काफी कमाल की वीडियो लेके आए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे कर देना, ऑल पे जरूर करना, नहीं तो आप हमारी वीडियो को मिस कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको दोनों फोन में एक एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। मैं आपको दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, आप दोनों एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, काफी कमाल कमाल के एप्लीकेशन है। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे और आप यहां पर सर्च करेंगे, जैसे मैं यहां पर सर्च कर देता हूं, पहला एप्लीकेशन है क्लोनिट। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने सारे डाटा को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन है जियो स्विच, दूसरा एप्लीकेशन है जियो स्विच। आप दोनों एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, काफी कमाल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप वन क्लिक में सारे डाटा को इसमें ट्रांसफर कर सकती हैं और आप क्लोन इट के थ्रू भी कर सकती हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करती हैं तो आपको इस वाले फोन में इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर आप क्लोनिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको इस वाले फोन में भी क्लोनिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ओके, तो हम इस वीडियो में जियो स्विच एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं। क्लोनिट कभी कभी काम नहीं करता, आप ट्राई करके देखना, अगर काम कर लिया तो ठीक है। तो चलिए हम ओपन कर देते हैं, तो आपको सिंपली ओपन करना है, दोनों फोन में ओपन कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, मान लीजिए यह मेरा पुराना फोन है या नया फोन है, ठीक है, यह पुराना फोन है या नया फोन है, इस फोन का सारा डाटा मुझे इस फोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है, इस फोन का सारा डाटा, सारा फोटो वीडियो इस फोन में ट्रांसफर करना है। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम जेंडर शेयर इट की तरह काम करता है। आपको यहां से सेंड करना है, इसमें सेंड करना है, इसमें रिसीव करना है, ठीक है, आपको यहां से अलाउ कर देना है, अलाउ। अब आपको क्या क्या भेजना है, वीडियो, फोटो, एप्लीकेशन, म्यूजिक, फाइल, क्या क्या भेजना है आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहां से म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, तो यह टोटल काउंट करके बता देगा आपके फोन में कितने म्यूजिक हैं। अब आपको यहां से सेंड कर देना है। अगर आप कॉन्टेक्ट शेयर करना चाहते हैं, फाइल शेयर करना चाहते हैं, फोटो वीडियो कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, तो आपको यहां से सिर्फ टिक मार्क कर देना है, ठीक है। तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको बता देगा आपके फोन में कितने जीबी का कितना वीडियो है। तो भाई, मेरे फोन में तो इतना वीडियो है कि मैं आपको क्या बताऊं, अभी आप देखना आप भी पागल हो जाएंगे, बोलेंगे यार इतना वीडियो फोन में। तो आप देख सकते हैं 4825 वीडियो हैं, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूं, ठीक है। अब आपको सेंड पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहां से अलाउ कर देना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा वेट करना है, आप देख सकते हैं कि स्कैन कर रहा है, फाइनली स्कैन कर लिया। अब आपको यहां पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको यहां से एक्सेप्ट करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा म्यूजिक जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं इस फोन से इस फोन में सारा म्यूजिक जाना स्टार्ट हो चुका है, जो सारे गाने थे जाने लगे। तो दोस्तों, काफी सिंपल है, फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूं, मैं बाद में कर लूंगा। तो दोस्तों, काफी सिंपल है, काफी आसान है, पहले आप जियो स्विच एप्लीकेशन को यूज करना, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता है तो आप क्लोनिट एप्लीकेशन को यूज कर लेना, ठीक है, उससे हो जाएगा आपका काम। ओके, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, काफी आसान प्रोसेस है, इतना आसान प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।